साथियों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। मैं सोनू सरोज पुनः आपके बीच में उपस्थित 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। तो हमारे जितने भी प्रदेश के साथी हैं वो फटाफट जुड़ जाएंगे। आज सुबह से आपके बीच में उपस्थित ना रहने का मुख्य कारण ये रहा कि उत्तर कुंजी प्रकरण से रिलेटेड जो भी हमारे साथी डॉक्यूमेंट अपना भेज दिए हैं उनकी लिस्ट जो है प्रिपेयर करा ली गई है, ठीक है। इस वजह से आपके बीच में उपस्थित होने का मौका नहीं मिला, लेकिन आज की जो बैठक होनी थी वो बैठक सकुशल संपन्न हुई। उसमें कुछ बातचीत हुए, ठीक है, कुछ बड़े निर्णय भी लिए गए और थर्ड काउंसलिंग की भी सूचना हम आप सभी को दे दें, इसके विषय में क्या जानकारी प्राप्त हो रही है। तो कुल मिला जुला के आपको 69,000 शिक्षक भर्ती पे ही आज जो है NCERT के जो है SCERT के तमाम जो है आला अधिकारी भी मौजूद रहे वहाँ पे, और उस पे काफ़ी देर तक मीटिंग चली माननीय शिक्षा मंत्री जी का भी। तो कुछ निर्णय लिए गए हैं, आइए हम देख लेते हैं फटाफट क्या जो है उनका जो है बातें रही, किन विभागों पे बातचीत हुई। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे नवनियुक्त एवं अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्राप्त शिक्षकों के वेतन और एरियर के भुगतान में तेजी लाएं, ये माननीय डॉक्टर सतीश सिंह द्विवेदी साहब द्वारा जो है ये बात कही गई। और इसके बाद आप देख लेते हैं एक एक पॉइंट को देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जो 69,000 शिक्षक भर्ती के जो भी साथी नियुक्त हुए थे जिनका अभी डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाइड नहीं किया गया था, उसके लिए कहा गया कि उसमें थोड़ा तेजी लाया जाए ताकि उनके वेतन मान को जो है जल्द से जल्द भुगतान कराया जाए। और इसके बाद अंतर जनपदीय स्थानांतरण शिक्षक के लिए उनका भी अंतिम जो भुगतान है वो भी जल्द जो है किया जाए, और जो रिटायर हो गए हैं अध्यापक उनके लिए पेंशन और जो भी उनकी चीज़ें हैं उनके किया जाए। और इसके बाद जो नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान हैं उनके साथ जो फटाफट जुड़ाव रख करके कायाकल्प को तेजी किया जाए, और जो भी शिक्षक कोविड की वजह से या किसी भी कारणवश जो है उनका मृत्यु हुआ है उनके लिए भी उनके भी वेतनमान जो भी उनका फंडिंग वगैरह वो भी रिलीज कराया जाए, इन मुद्दे पे बात कराई गई। और यह दिशा निर्देश दिया गया कि जिला प्रशासन द्वारा कोविड से संबंधित किसी भी कार्य में गर्भवती महिला शिक्षक को या ऐसी शिक्षिकाएं जिनके बच्चे छोटे हैं उन्हें ड्यूटी पर नहीं लगाया जाएगा, ये खास बात है। और इस बैठक में अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा श्रीमती रेणुका कुमार, निदेशक बेसिक शिक्षा डॉक्टर शिवेंद्र कुमार सिंह, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल और मंडली सहायक निदेशक गोरखपुर बस्ती आजमगढ़ देवीपाटन एवं अयोध्या, इन मंडलों के अंतर्गत जो भी जिले आए उनके जो जिला अधिकारी और भी जो थे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। और आप सभी को मैं एक बात बता दूं, आज पुणे कि अभी भी जो आपका शासन है शासन की तरफ से थर्ड काउंसलिंग को मात्र अभी तक सीटों को लेकर के जो है एक चर्चा चल रही थी, और रही बात अभी थर्ड काउंसलिंग कब होगी इसके विषय में आज भी और अभी भी किसी भी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। और हम उत्तर कुंजी की जो भी साथी परेशान रहते हैं थर्ड काउंसलिंग को लेकर के उन्हें बताया गया है कई बार कि थर्ड काउंसलिंग के लिए अभी आप चिंतित ना हो, अभी तक जो है शासन द्वारा ऐसा कोई भी आदेश नहीं निर्गत किया गया है कि वो थर्ड काउंसलिंग को अभी जल्द से जल्द कराने जा रहे हैं। हाँ, डाटा को लेकर के आपको याद होगा जब से नियुक्ति हुई है नवनियुक्त शिक्षकों को तब से डाटा के लिए जो है बार बार नोटिफिकेशन आता है कि डाटा को जो है लाया जाए, लेकिन अभी उसके विषय में क्लियर कट पूरी जो है कन्फर्मेशन नहीं कराया गया है। तो ये रही अब तक की संपूर्ण जानकारी आपकी आज की मीटिंग की, और जैसे ही कोई मीटिंग और जल्द फिर से निर्धारित करनी है तो मीटिंग पे नज़र रहती है हमेशा कि कोई चीज़ें अगर निकल के आती हैं जो हमारे लिए हों वो आप तक ज़रूर पहुंचेंगी। मैं आप सभी के बीच में देर रात जो है आंसर की प्रकरण के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा के साथ उपस्थित रहूँगा आपके पास। 10 बजे के आसपास आपको वीडियो प्राप्त हो जाएगी। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।